अच्छा, श्री कृष्णा के शूटिंग के दौरान कुछ किस्से जो आप लोगों के साथ हुए हैं, कुछ मज़ेदार बातें शूटिंग के दौरान, पर्दे के पीछे की कहानियां कुछ जो आप दर्शकों से साझा करना चाहें। सुदामा के दौरान या फिर अश्वत्थामा का किरदार आपने किया। अच्छा, मैंने एक किस्सा सुना हुआ था, मैं संदीप मोहन जी जो जिन्होंने अर्जुन का किरदार निभाया है जी, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने एक बार बहुत अच्छा इंसिडेंस बताया था कि जब हम लोग शूटिंग करते थे तो पर्दे के पीछे हम लोग, जैसे पर्दे पर तो हम लोग प्रतिद्वंदी होते ही थे, पर्दे के पीछे भी एक मन में एक प्रतिद्वंदिता होती थी कि दो पाले में हम दो गुटों में बटे हुए थे, कौरव और पांडव। तो इस टाइप का एक हाँ, तो क्रिकेट खेलते थे, कोई भी खेल होता था, तो इस टाइप के कुछ किस्से। जी बिल्कुल बिल्कुल सही था, और वो प्रतिद्वंदिता अच्छी थी, और हम लोग उसी तरह से पूरे मूड में रहते थे सब लोग जी। मैं अश्वत्थामा तो मैं अपने मूड में अर्जुन तेरे को बर्बाद कर दूंगा, ये ले बॉल ढचा, कैरम खेलते थे, देख अर्जुन ये रहा तेरा। तो मतलब हम लोग वही, और जैसे ही हमारे का चलो भाई तुम दोनों एड से एक्सीडेंट है, मुकुल जी आपका और इनका सीन है, आप लोग मेकअप कर लिया, हम उसी मूड में उठ के चले जाते थे मेकअप करने के लिए, और वही चीज तो मतलब बड़ा बड़ा सरल तरीका था 24 घंटे मूड में रहने का, तो ये बड़ा हमारे लिए वो था जी। और सुदामा का एक प्रसंग याद है, जब मैं नंगे पैर चलता था तो छाले पड़ जाते थे, एक बार बहुत बुरी तरह से छाले पड़ गए थे, तो मैं करहा रहा था, एक ढेकी टाइप में मिट्टी के टीले के ऊपर बैठा हुआ, पैर में दर्द हो रहा था, शॉट अभी बाकी था और वो कुछ सेटअप कर रहे थे, और मैं पैर को ना धीरे धीरे सहला रहा था, तो शॉट मोती जी ले रहे थे, आनंद जी किसी और जगह से आए थे, देखा क्या हुआ बेटा मुकुल, क्या हुआ? मैंने कहा हल्के हल्के दर्द हो रहा, तो उन्होंने कहा दिखा, मैंने पैर उठाया, अरे बर्फ लेकर आओ, ये करो वो करो, और बर्फ आया तो बर्फ खुद लगाने लग गए। मैंने सर क्या कर रहे हो आप? कह रहे नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, और वो बर्फ लगाने लग गए मेरे पैर पे। तो ये डायरेक्टर और एक्टर का वो प्रेम, फिर मैंने उनसे हाथ से ले लिया, लेकिन वो जो उनकी जो वो थी वो मतलब भूल नहीं सकता मैं जी। एक और इंसिडेंट जिसमें कि सुदामा और कृष्ण लड़ भी पड़े। अच्छा, के दौरान जी क्या जी, उस समय आनंद जी शूट कर रहे थे, और उसके बाद जब हमारा झगड़ा, वो भी डंडा उठा लिया, हमने भी एक लाइट का कटर स्टैंड उठा लिया, और मतलब ये होगा कि आज अभी तोड़ और फोड़ ये होगा, तो आनंद जी हंस पड़े, हा हा देखो कृष्ण सुदामा लड़ रहे हैं जी। वो उसके बाद हम बिल्कुल जीरो हो गए, हमने कहा यार रियल में हम लड़ रहे क्यों, किस लिए, और इतने शर्मिंदगी आई जी, और वो जो दोनों के अंदर जो अहंकार आ गया था जी, वो विष वमन जो हुआ आनंद जी की तरफ से, वो हमारे अंदर से जो विष खत्म हुआ उनके शब्दों से जी, तो उसके बाद हम लोगों ने फिर ट्रेन में, उस दिन हमारी वापसी थी, तो ट्रेन में हम दोनों ने एक दूसरे को सॉरी सॉरी कहा और गले मिले, खूब रोए, और उसके बाद कृष्ण सुदामा मिलन का सीन आप देख ही चुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, किस तरह से मतलब दोनों एकदम से, मतलब वो भी रो रहा है मैं भी रो रहा हूँ, ओरिजिनल आंसू थे जी, तो मतलब इतना हम लोग अंदर घुस गए थे जी। तो इस तरह की परीक्षा थी जी। अश्वत्थामा के दौरान मतलब मैं बेहोश होके गिर गया था, वो एक इंसिडेंस था कि मैं इतना वो चला गया था कि माइंड को इतना उस तरह से अंदर घुस गया था मैं, कि करते करते सीन करते 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 मेरे अंदर अंधेरा हुआ, मैं ढप से नीचे गिर पड़ा। वो सीन था द्रोणाचार्य की गर्दन कटी हुई पड़ी है, मैं दौड़ के आता हूँ और पिता का सर देखता हूँ, और सर को देख के मेरे को थरथराहट होती है, मैं सर को लेकर उनके रथ की तरफ जाता हूँ, रथ पे रखता हूँ, और फिर धीरे धीरे क्रोध शुरू होता है, फिर अपना नारायणी अस्त्र वो निकालते हैं, और वो जो एक लंबा डायलॉग था, और वो धीरे 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 डेवलप करते 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 इतना ऊपर चला गया था मैं कि मेरा जो ब्रेन जो एक तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैं बेहोश होकर गिर गया। उस दिन वो सीन नहीं हो पाया, उसके बाद अगले दिन
वो सीन बाहर, मेरे को डाटा भी मोती जी ने कि इतना मत घुसा कर, वो रिजल्ट तो नहीं आएगा ना सर, अगर मर जाता तू तेरे तू जरा सा बच गया था, नहीं तो भाले के ऊपर गिरता तू, तेरे को याद है? मैंने सर मेरे को नहीं मालूम, करे इतना और सेंस रख, इतना मत डूब। तो लेकिन मेरी अपनी पाठशाला है जी, अपनी है, मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व अगर नहीं होऊंगा तो फिर मुझे लगेगा कि मैं अध कचरा काम किया, मैंने जस्टिफाई नहीं किया, और मेरा सोल मुझे कहीं ना कहीं मुझे प्रताड़ित करेगा रात को जब मैं सोने जाऊंगा कि तूने बेईमानी की अपने काम से, थोड़ा क्यों नहीं सोचा, जबकि अपना अभी सीन देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे और भी आगे बढ़ना चाहिए था जी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक सीमा के बाद ब्रेन बंद कर देता है काम जी। और उससे आगे जी। लेकिन इसका सबक हम आगे के चरित्र में और सोचते हैं, बैठे बैठे ही सोच रहे कि इसको मैं कहाँ तक लेके जा सकता हूँ, क्या है फ्रेम में। मैं जब सीन होता है तो अगर मेरा सीन पूरा है तो मैं अगर किसी और का क्लोज चला तो मैं वहीं बैठा रहता हूँ, देखता हूँ ये क्या कर रहा है, अच्छा इसके काउंटर में मेरे को क्या करना है, तो ये सब मैं सोचता रहता हूँ जी। तो इसका मुझे फायदा मिलता है जी। किस तरह की असंख्य घटना है, पूरा दिन जी रात बिल्कुल निकल जाएगी। बिल्कुल 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 हाँ। अब बात करते हैं आपके, एक सीन और भी था आपको बता दूं कि अश्वत्थामा जब पांडवों का सर्वनाश करके लौट रहे थे तो उनके शिविर को ब्लास्ट होना था, ब्लास्ट करना था। अच्छा, वो ब्लास्ट का सीन था कि हम टेंट से निकल रहे हैं, ब्लास्ट होता बूम। मैं, कृपाचार्य और कृतवर्मा, हम तीन जने थे जी, उनको निकलना था सेंटर में, मैं दोनों तरफ कृपाचार्य और कृतवर्मा, और हम लोग निकल रहे हैं तो इतनी जोर से, मतलब इतना रासायनिक डाल दिया था कि मतलब अगर हम नहीं दौड़ते, हमने कहा भागो करके हम लोग दौड़ पड़े, नहीं तो हमारे पैर पे पीछे की तरफ कुछ किसी का जल गया था, मेरा पैर की तरफ का पीछे का पोर्शन जल गया था और हम भागे थे वहां से, अगर नहीं भागते तो हम उड़ जाते। अच्छा, तो ये भी एक इंसिडेंस था जी, जी। कि बाद में वो मोती सागर का लड़का डायरेक्ट कर रहा था उस सीन को, उसने बहुत डांटा उनको कि तुम्हें बेवकूफों की अगर एक्टरों कुछ हो जाता तो क्या होता, किसी को भी कुछ इतना रखो कि मतलब कि काम हो, काम में इस तरह की चीजें ना होना, इस तरह की चीजें भी हुई जी जी। अच्छा, बात करते हैं आपके फिल्मी करियर की, आपने बहुत सारी फिल्में जैसे गंगा जल, फैंटम, आपके इस नज़रिए से आपके पूरे फिल्मी करियर में, सिनेमा के करियर में कौन सा किरदार आपके सबसे करीब है, यादगार रहा है? किरदार तो मैं जो भी करता हूँ वो मेरे करीब ही होता है जी। तो मैंने आपको बताया कि मैं छोटा हो चाहे बड़ा, अगर मैंने एक्सेप्ट किया तो उसके साथ 110% जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश ही कर सकता हूँ जी। तो सारे किरदार मेरे लिए बहुत अच्छे ही हैं, कोई मेरे लिए बुरा कोई भी नहीं था यार जी। छोटा रोल भी किया है मैंने, मस्त फिल्म में टिकट ब्लैक करता हूँ, मतलब एक ही सीन था लेकिन उसमें रामू जी ने मेरे को देखा और उसके बाद कंपनी फिल्म में मेरे को चांस दिया जी जी। तो मतलब वो भी मैंने एक सीन में मैंने वो उनको लगा यार वो पार्किंग वाला आदमी लड़का है, इसको नेक्स्ट फिल्म में लो, नेक्स्ट फिल्म कंपनी में मुझे बुलाया गया जी। उनके साथ मैंने तीन फिल्में की, जेम्स भी एक फिल्म की मैंने उनके साथ जी। तो छोटा कैरेक्टर हो चाहे बड़ा हो जी, और मतलब पूरी जब तक मैं उस कैरेक्टर में हूँ तो पूरी तरह से उसके साथ हूँ जी। तो ये मेरा रहता है। फैंटम के दौरान भी एक एक्सीडेंट होते होते बचा था कि मतलब उधर से सैफ फॉलो कर रहा है, गोलियां चल रही हैं, इधर से मेरी गाड़ी आती है और एक गाड़ी बगैर ड्राइवर के चलती है और हमारे उसको मतलब नहीं, एक गाड़ी और आती है और वो रुकती है जी। तो मेरे को दरवाज़ा खोल के रोल करके निकलना था जी। वो गाड़ी पता नहीं क्या हुआ कि उसका ब्रेक फेल हो गया, क्या हुआ, मेरे को लगा कि ये तो मेरे को रोंद के निकल जाएगी, उसको रुकना था
जी और मैं उसी रोल करते हुए अंदर गया, लेकिन मेरा पैर जो है दरवाजे फंस गया और उस गाड़ी ने उस दरवाजे को टक्कर मारा और धम से मेरे पैर में मैंने आ करके अंदर चला गया। अगर नहीं जाता तो बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जी। वो उधर से कबीर बेदी जी इतना दौड़ दौड़ के आए, क्या हुआ मेरा पैर पकड़ के सलाना ये करना वो करना डॉक्टर ये वो जी। पता चला कि जिस आदमी को गाड़ी छोड़ने के लिए बोला था वो नहीं छोड़ा जी। वो ड्राइवर ने सोचा कि उसको कूदना है तो वो कूद गया जी, ड्राइविंग सीट से वो कूद गया जी। हम लेबनान में शूट कर रहे थे तो वो लेबनान का आदमी था, उसे लगा कि उसको कूदना है और वो गाड़ी छोड़ के कूद गया जबकि उसको रोकना था, मेरी गाड़ी को घेरा और मैं दरवाजा खोल के जंप करके रोल करते हुए मैं भागू जी। तो वहाँ भी मैंने देखा कबीर जी इतने मेरे प्रति वो थे कि वो इतने मतलब मेरे लिए ये करना वो करना, पानी लाओ ये लाओ डॉक्टर ये सब सारी चीज़ें जी जी। इंसिडेंट्स ऐसे होते ही रहते हैं जी। प्रकाश झा जी के फिल्म में आपने काम किया गंगा जल में, तो उनके साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग रही काम करते हुए? बहुत अच्छी जी। प्रकाश जी ने जब ये रोल ऑफर किया तो मैंने कहा भाई दो 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 ही सीन, दो या तीन सीन, तीन चार सीन जी। तो मैंने कहा बस मुकुल एक बात सोच लो, इस सीन में एक भी शॉट एडिट नहीं होगा ये सोच लो। और वाकई उस मेरे कैरेक्टर में कैंची नहीं चली, जितने शॉट लिए गए जितने सीन थे ए टू जेड वही जी। और हम लोगों ने उसको एक शमशान में शूट किया था, इधर चिता जल रही है इधर नदी के किनारे हम वाई में हमने शूट किया था और उधर भारत पाकिस्तान का मैच भी चल रहा था। अच्छा। और शमशान में हम लोग मुर्गा खाने वाला सीन कर रहे थे। अब देखिए नदी बह रही है इधर चिता जल रही है इधर हमारा शूटिंग का सेट लगा हुआ है जिसमें मुर्गा भुना जा रहा है, मुझे खाना है, दारू पी रहे हैं, इस तरह का सीन था। उधर मैच चल रहा है, कितना सचिन छक्के मार रहा है, ओह वेरी गुड वेरी गुड, ये किस्सा भी होता था जी। उसी से ही मेरे को अपहरण मिला जी। और प्रकाश जी बहुत ख्याल रखते थे, जैसे श्याम बेनेगल जी अपने कलाकारों का क्या स्टाफ का भी बहुत ख्याल रखते थे, ऐसे प्रकाश जी भी जी। तो बंगाली है ना, मैंने कहा मछली बनाई आज तेरे लिए, कैसा है खा के बता मेरे को, मतलब इस तरह का जी। पता चला कि और भी कुछ लोग बंगाली थे तो मीठा दही मंगाया था जी अपहरण के दौरान। अच्छा। मतलब इस तरह की चीजें ना, मतलब आर्टिस्ट फ्री हो जाता जी। ये एक्सपीरियंस उनके साथ दो फिल्में की तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था जी। लेकिन काम में कोई डांट भी देते थे जी, ऐसे नहीं ऐसे, मैं घबरा गया था पहली बार जिमी जिप मेरे ऊपर आया तो मैं देख के जैसे वो जिमी जिप जुम कर से आया ऐसा लगा कि एनाकोंडा मेरे ऊपर आ गया, मैं डर गया। तो प्रकाश जी डर गया क्या? हाँ डर गया, पहली बार जिमी जिप पता नहीं कहाँ से मेरे को बोला था कैमरा आएगा, मैंने कहा अच्छा सामने वाला आएगा शायद, मैंने जूम करेगा, अचानक मेरे सामने एनाकोंडा की मुंह फाड़ता मेरे पास आ गया, तो इतनी जोर से मैं डर गया तो बाद में हंसे भी खूब, क्या जिमी जिप का सामना नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं, तो कह रहा अच्छा फिर कोई बात नहीं। फिर मैं इधर से घुमा घुमा के उन्होंने प्रैक्टिस की थी, सीधा मेरे मुँह के पास आके रुकता है क्या। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है, मजा आया, लोग हंसे भी बाद में, मेरे को भी मजा आया, मैं भी खूब हंसा, यार मैं डर गया बताओ, कैमरा देख के डर गया। अंत में एक प्रश्न आपसे मैं करना चाहूँगा कि आज के जो तमाम युवा होते हैं जो अभिनय का सपना लेकर के मुंबई आते हैं काम करने का सपना लेकर के, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या सीख उनको आपसे लेनी चाहिए? देखिए छोटे शहरों से जो भी आते हैं तो मैं उनको कहूँगा कि जी अगर आपको लगता है कि आपको अभिनय करना है जी तो उसके लिए थोड़ा थिएटर कीजिए,
थोड़ा जानिए चीज़ों को जी, आपकी शक्ल सूरत चाहे कैसी भी हो जी, लेकिन थोड़ा तो काम करना ही चाहिए, कि ये नहीं कि अपना शक्ल देखी और बैग उठाया चल दिए जी, जो आजकल भी होता है। थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, थोड़ा सा थिएटर करना चाहिए जी, क्योंकि बेसिक आपको एक नॉलेज मिलेगा, आपको अभिनय करने के लिए बेसिक मेथड तो आपको मिलता है ना जी, बिल्कुल, या फिर करते करते होता है, फिर देखते देखते होता है जी। बड़े शहरों में तो बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन छोटे शहरों में बहुत कुछ नहीं मिलता, तो जैसे हम लोगों को मिलता नहीं था, तो जैसे मैं तो ये कहूँगा कि मैं बंगाली थिएटर से आया था, तो शुरुआत में मैंने बहुत सीनियरों को काम करते हुए देखा है, तो जी। उनसे प्रेरणा मिली, यार मुझे भी अभिनय करना चाहिए, और मैं उसी में ही रहता था, है ना, इस तरह की चीज़ें होती थी। फिर धीरे धीरे मुझे ये लगा कि मुझे और थिएटर करना चाहिए, फिर रामलीला की, रामलीला के बाद फिर हिंदी थिएटर के लिए मैंने इप्टा में भी कुछ काम किया, उसके बाद फिर अपना इप्टा में मज़ा नहीं आया, तो फिर मैंने, मज़ा मतलब कि मेरे एज ग्रुप के लोग नहीं थे, है ना, फिर हमने अपना एक क्लब बनाया, फिर उसके तहत हम लोगों ने खूब नाटक किया, और इतना अच्छे अच्छे नाटक किए हम लोगों ने, और उसके बाद फिर मैं दिल्ली की तरफ कूच कर गया, मुझे पता चला, तो दिल्ली में थिएटर करता रहा, और सिलेक्शन मेरा हुआ, और उसके बाद फिर वही। तो युवाओं को कहूँगा कि एक उद्देश्य भी बनाए कि मुझे करना क्या है, ये नहीं कि मैं थोड़ा भाग्य आजमाने या चला हूँ, वो मत करना जी, बिल्कुल। अगर करना है तो फुल फ्लैश आओ जी, कोई मनाही नहीं है, लेकिन मन में दुविधा, अच्छा एक दो साल देखूंगा या छः महीने देखूंगा, कुछ हुआ नहीं, नहीं तो फिर घर जाके फिर पिताजी की गद्दी संभाल लूंगा जी। ऐसा बिल्कुल ना करें, तो उससे आप अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं जी। काम करना है, अभिनेता बनना है, इस मीडिया में काम करना है, तो पूरी तरह से कूदो जी, कूदने के बाद भागना नहीं है जी। अच्छे अच्छों को संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से, और फाइनेंशियली के रूप में आपको सक्षम होना ही पड़ेगा जी। फाइनेंशियली अगर नहीं भी हो, लेकिन मानसिक और शारीरिक जी दोनों तरफ से सॉलिड होना चाहिए, लड़ने के लिए जुझारूपन होना चाहिए कि हाँ मेरे को करना है जी, बिल्कुल सख्ती के साथ खड़े होना, और अपने दिमाग को संतुलित करके रखना, भटकने नहीं देना। भटकाव बहुत आते हैं, हर तरह का भटकाव आता है, मैं कहना नहीं चाहूँगा, हर तरह से भटकाव आता है, ऊपर वाला बहुत परीक्षा लेता है, यहाँ मुंबा देवी बहुत परीक्षा लेती है जी, और अच्छे अच्छे को वापस भेज भी देती है जी जी। अंत में नारद टीवी के लिए, दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि बहुत से ऐसे दर्शक थे जो आपको काफ़ी दिनों से देखना चाह रहे थे नारद टीवी पर, आज आपसे बातचीत हुई हमारा सौभाग्य, और इतने खुल करके आपने अपने पूरे फिल्मी करियर पर विस्तृत रूप से चर्चा की, तो नारद टीवी के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले नारद टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, चैनल का जी, और ख़ास तौर से अरोड़ा जी आपका जी, कि आपने मुझे मौका दिया जी, और करोड़ों लोगों तक मुझे पहुंचा रहे हैं जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से काम करते रहे तो कितने एक्टर जो मतलब तन मन धन से काम करते हैं, पूरा 110% देके काम करते हैं, आप उनको एक उचित प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं दर्शकों का बहुत 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 तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं देखते तो हम लोग अपनी कला को कहाँ दिखाते जी। देखिए भक्ति एक सीरियल में, भक्ति के सीरियल में एक मेरी अपनी भावना है कि एक लीडिंग भगवान का कैरेक्टर करने के बाद उसको, उसके लिए आगे काम बड़ा मुश्किल हो जाता है जी, लोग उसकी भावना को वहाँ से आगे बढ़ने ही नहीं देते कि इसके बाद भी वो कुछ कर सकता है, तो कहीं कहीं
कमी आ जाती है कि उसके बाद लोग उसी तार में बुनना शुरू कर देते हैं। जी जी हाँ, टाइप कास्ट हो जाते हैं कि तो उसी किरदार में देखना पसंद। तो ये मेरा मानना है कि मैंने जैसे अरुण गोविल जी को जी बिल्कुल राम के बाद कैरियर आगे नहीं बढ़ा, जबकि उन्होंने इतना अच्छा सीरियल, इतना अच्छा अभिनय किया। जी जी, ऐसे ही कृष्ण में वो भी ऐसे ही है, महाभारत में जी, अपने कृष्ण में भी, कृष्णा में बनर्जी जी जी मेरे साथ भी, लेकिन मैं अपने चीज़ों को तोड़ रहा हूँ। जी हाँ, अभी भी मैंने साईं बाबा के बाद मैंने ऐसे ऐसे चरित्र किए हैं जो उससे बिल्कुल डिफरेंट, और मैं ढूंढता रहता हूँ जी, बाबा से प्रार्थना करता रहता हूँ, बाबा मेरे को और भी बहुत कुछ करना, अभी मैंने कुछ किया नहीं है जी, तो उसी पक्ष की ओर सोचता हूँ। थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए कि नहीं, मुझे अभी कुछ और करना है जी, तो उसके लिए आपको अपना समय देना पड़ता है जी। सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही, मतलब इसी टाइप के काम करे जाओ तो फिर मतलब कोई मतलब नहीं रह जाता। उसको डिफरेंट डिफरेंट चरित्र को करके अपने आप को और परिष्कृत करना है। हम एक ही उसमें पात्र में बन जाएंगे तो फिर एक्टर नहीं रहेंगे ना हम जी, बिल्कुल कलाकार नहीं कहलाएंगे। कलाकार वो होता है जो भिन्न भिन्न करेक्टर में भिन्न भिन्न चरित्र को निभाते चले जाओ जी। जैसे मेरे तो फेवरेट है संजीव कुमार जी जी, उन जैसा टक्कर का अभिनेता फिल्मों में तो मैंने कहीं नहीं देखा जी। वो उनकी फिल्म मन चली, एक मोटे तगड़े से और किस तरह से मन चली कहाँ चली, वो जो उछले कूदे, लग रहा था कि वो इतने मोटे ताजे हैं, कहीं से लगने नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ अपने काम से जी। नया दिन नहीं रात, ये मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसे ही एक्टर होने चाहिए जो हर तरह का करेक्टर कर सके। मेरे तो आइडियल है संजीव जी, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है तो कैरेक्टर को अलग अलग करके, मुकुलना को हटा के उस कैरेक्टर में जीने की कोशिश करता हूँ, अपनी तरफ से मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपको मालूम है दर्शकों जी, दर्शक ही बता सकते हैं कि मैं कितना सही हूँ कितना नहीं। तो मैं दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप हमें दूसरे चरित्र को निभाने के लिए उसे उस दृष्टि से भी देखें कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये नहीं कि आप, मैं अगर दूसरे कैरेक्टर में आता हूँ तो आप मुझे नकार दें, प्लीज आप हमें नकारें ना। मेरे जैसे कई एक्टर भी हैं जो भी मतलब जिस तरह का रोल कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए। अगर वो खराब काम कर रहे हैं तो आप बोलिए उनको कि आप इस रोल में बिल्कुल बहुत खराब काम किया जी, लेकिन अगर अच्छा कर रहे हैं तो उसको एक ही फ्रेम में ना बांधे जी, हम लोगों को प्रोत्साहित भी करें। ये प्रोत्साहित करना भी दर्शकों का काम जी, है जी। आप हैं तो हम हैं जी, आप अगर हमें कुछ मोटिवेशन नहीं देंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ यहाँ तक जुड़े, और हम आपके ऐसे ही उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप ऐसे ही पर्दे पर आते रहिए, अपने दर्शकों को मनोरंजित करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।